छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़ी इस वक्त एक नया अपडेट जारी किया गया है, जिसमें हम आपको बता दें कि चुनाव के तारीखों में होगा बड़ा फेरबदल। जी हां, पूर्व सीएम रमन सिंह ने की मतदान की तारीख बढ़ाने की मांग। दरअसल छत्तीसगढ़ में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण के 20 सीटों पर दिवाली के पहले 7 नवम्बर को मतदान है, लेकिन दूसरा चरण 70 सीटों पर 17 नवम्बर को होने वाले है। इसके आस पास छत्तीसगढ़ में कई त्योहारों को भी मनाया जाएगा और इसलिए छत्तीसगढ़ में मतदान की तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग उठ रही है। वैसे बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी चुनाव आयोग मतदान की तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार बता दें कि आज बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट चुनाव आयोग मतदान की तारीख आगे बढ़ाने का मांग किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण 17 नवंबर के निकट छठ पूजा का पर्व आने की बड़ी संख्या में मतदाता इस निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे और इसीलिए मैं चुनाव आयोग से आग्रह करता हूं कि दूसरे चरण के मतदान को आगे बढ़ाने की कृपा करें, जिससे अधिक से अधिक संख्या में मतदाता इस चुनाव से जुड़कर अपने मताधिकार का उपयोग कर पाए। हालांकि रमन सिंह की सीट राजनांदगांव में पहले पहले चरण में मतदान होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं किस किस दिन कौन से त्योहार हैं, इसलिए चुनाव के तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग कर रही है। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो फौरन सीजी 36 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो आपको बता दें कि अगले महीने नवंबर के दूसरे सप्ताह में कई हिंदू त्योहार हैं। 12 नवंबर को दिवाली, 13 को गोवर्धन पूजा, 15 को भाई दूज, 19 को छठ पूजा होगी, यानी लगातार त्योहारों का दिनचर्या रहने वाला है। इसके चलते वोट प्रतिशत कम होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि 17 नवंबर को 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होने वाला है, जो कि प्रमुख त्योहारों के बीच में पड़ रहा है और यही वजह है कि मतदान की तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग चल रही है। फिलहाल कब तक बढ़ेगा या फिर बढ़ेगा भी या नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं किया गया है। जैसे ही पता चलता है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, मिलते हैं नई जानकारियों के साथ नेक्स्ट अपडेट में।